हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 43 का 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वह कहता है कोट यदि कोट भी बराबर 12/5 तो सिद्ध करें कि टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू सेक के पावर 4b माइनस सेक स्क्वायर सॉरी साइन पावर 4b और ये इंटू सेक स्क्वायर बी। तो देखिए वह यहाँ से ये कोट भी बराबर दिया हुआ है तो टेन भी निकाल लेंगे, साइन भी निकाल लेंगे और सेक भी निकाल लेंगे, तभी जाके सबका मान निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए। तो ये दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है? तो बोला ये दिया हुआ है कोट बी इज इक्वल टू 12/5। कोट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो ये जो है वह यानी फॉर्मूला होता है बी बट्टा, ये जो है वह पी होता है, ये 12/5। तो देखिए बुआ, यहाँ से चूंकि बी बराबर दिया हुआ है 12 और पी बराबर दिया हुआ है 5, तो हम एच निकाल लेंगे। तो एच बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये हमारा क्या हो जाएगा? 169। 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं टेन बी। तो टेन बी तो ये कोट का ही उल्टा हो जाएगा, तो टेन बी हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं साइन बी। साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच। पी कितना है? 5 है और एच कितना है? 13 है। तो ये हम निकाल लिए हैं और हमें क्या चाहिए बउआ? तो सेक चाहिए। तो चलिए सेक निकाल लेते हैं, सेक बी। तो सेक छिटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बट्टा बी हो जाता है, एच बट्टा बी। तो एच क्या है? 13। अब बी 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 कितना है? 12 है, 12। ये हम सब निकाल लिए हैं। अब हम एल एच एस चलते हैं। तो एल एच एस पार्ट में हमें दिया हुआ है टेन स्क्वायर बी माइनस ये साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है। तो देखिए टेन स्क्वायर बी, ये देखिए 5/12, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/12 का स्क्वायर 144 होता है माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी बराबर 5/13 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/169 हो जाएगा, क्या 169 ही हो जाएगा। चलिए ये इतना हो जाएगा, ये जो है वह 25/169 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है वह लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम ले लेंगे तो ये जो है वह लघुत्तम आएगा 144 × 169 आएगा। ठीक है, इससे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा 169। 169 को जो है वह 25 से गुना करेंगे तो 25 × 169 हो जाएगा माइनस 169 को इससे भाग देंगे तो बचेगा 144, इसको गुना करेंगे तो 25 × 144 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम हल कर लेंगे। देखिए 25 इसमें भी, 25 इसमें भी, 25 कॉमन आ जाएगा और ये हमारा 169 माइनस ये 144 आ जाएगा, बट ये जो है वो 144 × 169। ठीक है, देखिए ये 25 × 169 में से 144 घटाएंगे तो ये 44, ये जो है वो 5 है और ये 25 आ जाएगा, 25 × 144 × 169, ये इतना आ जाएगा। चलिए ये इतना आया हुआ है, तो अब देखिए हम जो है वो निकाल लेते हैं आर एच एस साइड निकाल लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये जो है वह देखिए बहुत टाइम है, ये जो है वह इसको गुना करने जाएगा तो ये जो है वह गुना करेगा तो ऊपर में गुना करेगा 625 बटा, इसको गुना करके आप लिख दीजिएगा। ठीक है, 169 हम देखिए इतना ही जो है वह ला देंगे। ठीक है, आप गुना करिए या फिर नहीं करिए, इतना ही जो है वह इसको दिखा दीजिएगा तो वह प्रूव हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये देखिए सेक के पावर 4b इंटू सॉरी ये साइन के पावर 4b इंटू जो है वह सेक स्क्वायर भी है। तो देखिए साइन के पावर 4 है तो ये जो है वह साइन भी इज इक्वल टू निकाले 5/13, तो ये 5/13 का पावर में जो है वह तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और उन्हें सेक स्क्वायर भी, ये जो है वह इसका स्क्वायर करेंगे तो 169/144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 25/169 दो बार आएगा क्या, और फिर 25/169, देखिए हम दो दो बार स्क्वायर किए हैं, देखिए इसको यानी कि स्क्वायर करेगा तो 25 दो बार स्क्वायर, ये देखिए इसको हम ऐसे यानी किया है 5/13 का होल स्क्वायर अगुने ये जो है वो 5/13 का होल स्क्वायर। तो देखिए 25/169 और ये 169/144, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 25 गुना करेंगे तो 625 ये जो है वो 169 ये 144 आया हुआ है। तो देखिए ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों क्या है? बराबर है। ये रिजल्ट हमारा क्या है? तो सही है। तो ये एल एच एस बराबर आर एच एस आया हुआ है, तो नीचे में लिख दीजिएगा आता एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह 44 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।